ऑलराइट, सो फाइनली हमने एक स्टॉप लेने का प्लान किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फूड अच्छा मिलता है, वो बोल रहा था, संदीप बोल रहा था। एंड अभी हम रुके हैं यहाँ पे कहीं, तो कोई तो प्लेस है यहाँ पे, कृष्णा ढाबा करके कुछ है। एंड या एंड दिस और बाइक्स हाउ इट लुक्स, बजाज डोमिनो 400 एंड दिस वन इज एक्सपल्स प्रो विथ अ रेलिकेट, वेरी गुड बाइक। हु ओके, तो फाइनली लंच तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा बहुत खाना खा लिया है और अभी निकलते हैं। और हाँ हाँ, लो फोटो पाड़ो तुम्हारे काका कंप्लीट डूबा जो फोटो पाड़ो, बोला हाय कह दो, हाय हाय करो, हाय 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 हाय, चलो हाय। और ये अंकल, उनको बोलने में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकते। और बाय बाय बाय, चलो बाय, अंकल बाय बोल रहे। तो चलो भैया अभी निकलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ थिंग ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी यहाँ से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका है, कुछ आधे घंटे से बैठे हैं और इतनी ज़्यादा हैवी रेन स्टार्ट हो गए। मैं बोला बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे रुक गए, और हमारे भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। और क्या नाम है भाई आपका? सुनील भाई, तो बोल दो एक बार, एम स्टार व्लॉग्स बोलो, एम स्टार को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किया आपने? चलो ये मैंने सब्सक्राइब कर दिया हमारे एक, हाँ तुम्हारा आ जाएगा वीडियो अंदर, तो एक सब्सक्राइबर हमने कमाया आज, हमने क्या कमाया, सब्सक्राइबर कमाया। और ये अंकल तो बेचारे बोल नहीं सकते, बस बहुत इनके फेस पे आपको खुशी दिख रही होगी। चलो बाय कह दो, बाय, टाटा टाटा कह दो, टाटा टाटा कह दो, टाटा टाटा, ओके चलो अभी चलते हैं। 200 प्रो, अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, वेरी हाइटेड राइडर है, आई हाईली रिकमेंडेड दिस बाइक टू देम, बिकॉज ये बहुत 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 टॉल बाइक है एंड इसको आप हिमालयन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत शॉर्ट है, इससे तो हिमालयन से मैं बहुत सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस और बहुत ही टॉल बैग है। एज यू कैन सी मेरी हाइट है 5.9 और दस मिनट डेज, ये शूज का जो सॉल है उसका कुछ साइज रहेगा 1.5, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, फिर भी मेरे पैर नीचे टच नहीं हो रहे एंड अभी आपको मैं एक राइड, शॉर्ट राइड, इतनी हैवी बाइक नहीं है, सो लाइट, यू कैन मूव इजीली, आपको ऐसे पीछे भी मूव करना होगा तो बहुत इजी कर सकते हो, अगर आपके पैर नहीं है, अगर आपके पैर पूरे पहुँच रहे हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। आई शो द शॉर्ट राइड, अगर आप ऐसे प्लेस करोगे तो ये आपको इधर बहुत, आई थिंक ये बहुत लॉन्ग है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपको यहाँ से प्लेस करके करना पड़ेगा और आपको सेकंड गियर में बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं ये प्रो वर्जन में ही ये चीज़ है या फिर इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप, बिकॉज मुझे तो, मैंने कल भी ट्राई किया था लेकिन मुझे थोड़ा एनोइंग लगा ये चीज़, बट या द बाइक्स ओवरऑल, द बाइक इज़ सो नाइस, इट्स वैल्यू फॉर मनी, इज़ अराउंड लाइक 117 समथिंग ऑन द रोड। अब ये तो प्रो वर्जन है, पता नहीं इसका, मैंने सुना है कि कुछ और एक दो मॉडल भी है जो इससे बिलो है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। आपको 200 सीसी का ये, इट्स वैल्यू फॉर मनी, तो
चलो अभी अंदर चलते हैं और थोड़ा कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद वापस निकलते हैं। और ये ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, अब ये चीज़ नहीं चाहिए थी, बट क्या करें, अभी है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको फेस तो करना पड़ेगा। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा फूड इंजॉय करते हैं, उसके बाद गेट बैक ऑन द राइड, पेट का खाड़ा पूरते हैं। और मैंने तो सीधा पावर बैंक से गोप्रो को कनेक्ट कर लिया अभी चार्जिंग के लिए, बिकॉज मेरा जो क्या बोलते हैं वो एक्स्ट्रा बैटरी और केस मैं बाली में घुमा के आया हूँ, तो अभी वो मेरे पास है नहीं, तो इसको चार्जिंग करने के लिए रुकना पड़ता। अच्छा ये कुछ, चलो तो अभी हम चलाने वाले हैं एक्सपल्स और संदीप चलाने वाला है मेरा डोमिनर, तो अभी देखते हैं एक्सपल्स कैसा परफॉर्म करते हैं। ये वाले रोड पे तो बहुत सही, अभी तक तो आई थिंक ये वाले ऐसे रोड के लिए ही बना, ऐसे रोड थैंक यू आप यार वही थैंक यू ऐसे रोड के लिए ही बनी है बाइक, तो अभी देखते हैं कैसा मज़ा आता है। चलो तो अभी चलते हैं, और मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, अभी जब हम यहाँ पे आए थे स्टॉप लिया था, जैसे अंदर बैठे इतनी बारिश होना स्टार्ट हो गई, मैं बोला चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ रुक गए, वरना तो दिमाग ख़राब हो जाता। देखो वैसा लक तो बहुत बड़ी रही है, एंड दिस इज़ अ एडवेंचर टॉय, दिस इज स्पोर्ट्स टूरर बिग बॉय। चलो गूगल्स की ज़रूरत नहीं है, अभी उसके अंदर रख लेता हूँ। ओके एंड ऑलराइट चलो इट्स रिकॉर्डिंग नाउ, अभी के लिए तो ठीक है, जितना बैटरी है उतना ठीक है। अभी चलो हम चलाते हैं एक्सपल्स, बहुत हाइटेड बाइक है यार, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। ओके ओके चलो लेट्स गो, चलते हैं अभी इधर से। ओ भाई साहब बहुत हाइट है, बहुत हाइट है इसकी, बहुत हाइट, आ सही है, एंड दैट इज अवर डोमिनर। चलो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस रोड एज आई टोल्ड यू। अरे वाह बहुत हाइट है यार इसकी, तो हिमालयन से तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा, बस 1.5 इट्स आपको ये मिल रहा है 1.5 में, तो ले लो भाई, जिसको भी शॉर्ट राइड्स करनी है, जिसको भी एडवेंचर करना है, बहुत सही है। रिकॉर्डिंग इज परफेक्ट, वेदर इज परफेक्ट, एंड आवर गोकू इज ऑल्सो खतरनाक। चलो अरे वाह बहुत सही बहुत सही। और अभी यहाँ से हमको जाना है बोडली तक, बोडली से फिर नेविगेट करते हैं, बोडली तक तो आई थिंक सीधा ही रास्ता है, तो इतना कोई इश्यू होने वाला नहीं है। दिस इज जांबूगढ़ा अभ्यारण्य में आपका अपनों हार्दिक स्वागत है, हार्दिक क्या छे हार्दिक नहीं। चलो ओके कुछ लिखा था बहुत सारे ओए अरे यार स्पीड ब्रेकर कूदा यार, कुछ नहीं होने वाला, तो चलो इसके ऊपर भी सूट तो रहे। मैंने बोला कि तू भाई इसने इसका एक्सपर्स भेज दिया था, दो तीन एक्सीडेंट हुए थे फिर बहुत डैमेज चुका था, तो मैंने बोला इसको कि भाई तू डोमिनर ले ले, थोड़े दिन पहले चलाई थी, बोला ही वाज सो इम्प्रेस विथ दिस बाइक, बोला ले ले भाई यही रोड है अभी तो एकदम मस्त, सीधा सीधा जाओ ग्रीनरी में मस्त राइड इंजॉय करते हुए। इसका इनिशियल बहुत अच्छा है, बट ऑब्वियसली यार दिस इज 200 cc बाइक, तो दिस इज इनफ, अगर 80 इज कंफर्टेबल स्पीड फॉर दिस बाइक। ये आपको ये वाले रोड पे बहुत मज़ा देने वाली है, नॉट ऑन हाईवे, हाईवे पे तो ऑब्वियसली 200 cc है तो बहुत मर मर के ही भागेगी। ये वाले रोड पे आप हाईली रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो, आप हिमालयन से हिमालयन ले सकते हो, बट इससे आपका काम चल जाएगा। वो दोस्त वॉन्ट टू सेव मनी, और ये बस सामने से आती हुई और हमने बच गए इससे, और वापस ऑन द ट्रैक। तो हाँ हमने वहाँ पे मस्त ब्रेकफास्ट किया हल्का सा, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं हम, हाँ अभी ये बगाएगा, अभी इसके पास 400 ये बगाएगा,
अभी इसको मजा आने वाला है। हाँ, ये उसके जैसे भाग तो नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी बाइक है ये। कोई रेसिंग वेसिंग के लिए बाइक या फिर लॉन्ग टूरिंग के लिए तो रिकमेंड नहीं करता, कर सकते लोग करने के लिए तो स्कूटी में भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये इतना है कि आप एक सफिशियंट मेंटेन स्पीड के ऊपर आप अच्छी सी एक राइड मेंटेन, मतलब राइड के ड्यूरिंग योर राइड आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके आप राइड इंजॉय कर सकते हो। अब इसके ऊपर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ओके ये कोई ट्रक जा रही है 70 की स्पीड में और आपको इसको एकदम इंस्टेंट अपनी बाइक के जैसे ओवरटेक कर सको, तो ये चीज़ आप इसके ऊपर बहुत हार्ड कर सकते हो। दैट इज़ 400, दिस इज़ 200 और बहुत अपने डोमिनर के अंदर बहुत बहुत पावर है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। आई एम ट्राइंग कि ये कितना भाग सकती है, मैं इसको भगाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, बट ये 97, 96, 100 तो आराम से जाती ही होगी है। लेट्स ट्राई ये कितना जा सकती है आगे। दिस इज 80, 90, 100 ओके 100 तो टच कर लिया है। बाकी इस रोड पे मुझे इतना नहीं मजा आएगा, इसको हाईवे पे ही टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जाती होगी 110 तो आराम से जाती होगी, इनफ है बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इसको कांस्टेंट वो स्पीड मेंटेन करके नहीं चला सकते बिकॉज ये उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। मज़ा तो आ रही है यार, बहुत कंफर्टेबल है। इसका सीट थोड़ा सा नैरो है, बाकी तो हाँ एकदम कंफर्टेबल है। डोमिनर का बहुत ब्रॉड है, मतलब वो एक स्पोर्ट्स टूरर है तो हाँ उसके अंदर तो बनता ही था, अदरवाइज लॉन्ग टूरिंग के लिए आपको ऐसे सीट आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो इस बाइक की सीट को, अदरवाइज इट्स प्रिटी गुड, नाइस, कंफर्टेबल है। और वाव, कैन यू सी द रोड, पूरा कवर है यार, बहुत सही है, एकदम हरियाली हरियाली आसपास पूरा कवर। और ये बहुत सारे भालू का भी अभी फोटो था, बीवेयर फ्रॉम लेपर्ड, भालू और पता नहीं और क्या क्या, 2-3 तो कोई वाइल्ड एनिमल्स थे। तो रात दिन में तो चलो ठीक है, गाड़ी आती जाती रहती है, थोड़ा शोर रहता है तो क्या है कि रोड के आसपास वो लोग नहीं आते, रात को थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है तो आपको थोड़ा संभल कर चलाना पड़ेगा, बिकॉज यू नो हम भी नहीं चाहते कि हम उनको हार्म पहुंचाए और हम उनकी चपेट में आ जाए। गाड़ी में तो ठीक है यार, लेकिन बाइक पे थोड़ा रिस्क हो जाता है बिकॉज इतना हल्का सा टच भी कर दिया तो हम गिरने का चांसेस हमारे बहुत, वो तो चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। बाकी बहुत सही रोड है यार, ये राइड करने के लिए तो बहुत मज़ा आता है। एज़ आई टोल्ड यू ये 110 तक तो जाती होगी, अभी ये 110, 113, 114, 115 मैंने फुल्ली थ्रॉटल तो दे दिया, इससे आगे तो ये नहीं जा रही है, 115 तक जा रही है बस, इससे ऊपर वाह बेटा वाह, बहुत सही। कहाँ जाना है भाई, कहीं से भी मुड़ लेता है गाड़ी। हाँ तो 115 तक जा रही है, इससे ऊपर नहीं भाग रही, पता नहीं ये विंड ब्लास्ट मुझे थोड़ा फील हो रहा है, शायद रीज़न हो कि उसकी वजह से ना जाती हो। 120 तक तो जाती होगी आई थिंक, और ये कोई तो चेक पोस्ट है क्या, पता नहीं। चलो चलते हैं, कोई नहीं। तो वो क्या स्पीड में निकला है, मैं कब से वेट कर रहा था, वो कहाँ से कब आया कब निकला पता ही नहीं चला। और ये थोड़ी थोड़ी ड्रिसलिंग स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई। तो देखते हैं आगे कितने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे बारिश गिर रही होगी, पता नहीं लेकिन अंदर से ऐसा डर लग रहा है कि शायद आगे बारिश गिर रही है। और ये कोई तो विलेज है छोटा सा, यहाँ पे ऐसा देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये ड्रिजलिंग थोड़ी ड्रिजलिंग अभी रेन में बदलती हुई, ज़्यादा रेन नहीं होनी चाहिए अदरवाइज ऑलरेडी हमने एक हॉट ले लिया है तो आगे वापस रुकना पड़ेगा। और ये हॉर्नेट वाले भैया हमारी साइड काटते हुए बहुत ही तेज़ी आके बढ़ते, देखा मेरे को
बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना टाइट है ये अंदर से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद ये चीज पहन रहा हूँ, मतलब हेलमेट पहन रहा हूँ, तो ये थोड़ा दब रहा है, तो इट टेक सम टाइम टू यूज टू, बट हाँ मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा ये बोलते हैं ना, तो ऐसा जो दांत ना, दांत और अंदर के जो मतलब जो जहाँ पे जो क्या बोलते हैं हमारा जो गाल होता है ना, वो ऐसा बाइट होता है, तो वो थोड़ा इश्यू है बोलने में, बट या आई एम मैनेजिंग। ऐसा लग रहा है कि मुंह में मैं मावा या पान डाल के बात कर रहा हूँ, बट आई एम मैनेजिंग, इट्स ओके, ये भी कर लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे वाइजर में पता नहीं चल रहा, लेकिन वाइजर और गियर्स में कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है, पता नहीं बढ़ तो रही है। आई थिंक अभी हम बोडेली में एंटर हो रहे हैं, एंड लुक एट अवर डोमिनर, या बॉय, ओ भाई बहन, तो ये है बोडेली। अभी यहाँ से मुझे नेविगेट करना पड़ेगा कि यहाँ से किस साइड जाना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, बहुत टाइम पहले आया था मैं बोडेली, लेकिन यहाँ से केवड़िया जाना है हमको, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो वहाँ से मुझे नेविगेट करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि स्वाइप कर ले अभी बाइक बैक टू अवर डोमिनर। ये क्या कुछ बोल रहा था अभी मेरे को, आगे आने दो, ऐसा बोल रहा था हमको, शायद इधर से जाना है डब्बई, नहीं डब्बई तो आ गया, शायद इधर से हमको जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं, डब्बई साइड ही जाना। ये क्या, ये बोडेली, ओ सॉरी मैं भूल गया, ये है बोडेली। ओ भाई बहुत बहुत है, बहुत टॉल बाइक है, बहुत टॉल बाइक है, देखो मेरा पता नहीं आपको कैमरे में समझ में आ रहा हूँ। तो चलो हमने फिर से आ गए हमारी डोमिनर में, और 61 किलोमीटर फ्रॉम बोडेली, तो यहाँ से हमको जाना है ऑन उदयपुर रोड, वी हैव टू टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर। कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नीचे बैठ गए ज़मीन पे, और पावर में ऐसा लग रहा है कि रॉकेट हाथ में आ गई है। तो ये है बोडेली टाउन, अभी यहाँ से हमको जाना है, 1 hour and 6 minutes बता रहा है, एंड द टाइम इज़ 12:35, परफेक्ट। और आगे भी मुझे रेनी क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो पता नहीं, ओ भाई कोई अलग ही पावर, मतलब इसको चलाने के बाद इसके ऊपर आना, यू फील अ ह्यूज डिफरेंस। और थोड़ा बहुत हमको ट्रैफिक मिलता हुआ, थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, वो सर्कल से हमको ये ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन थोड़ा हमको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसे चल रहा तो हम पता नहीं कहाँ कभी पहुँचेंगे उधर। दिस इज अ रियल पावर बेबी, स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर, दिस इज बड़ोड़ा छोटा उदयपुर लाइन आई थिंक, हाँ वही है जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई है, न्यूली इन द सर्विस, एंड पेट्रोल तो बहुत है, पेट्रोल तो जाके भी वापस आ जाएगा, तो पेट्रोल पम्प नहीं मिल रहा है, तो इट्स नॉट एन इश्यू फॉर अस, फॉर मी राइट नाउ। ओके तो हम यहाँ से हमको लेना है राइट, पता नहीं कि गूगल माता तो दिखा रही है, अभी लिया है राइट, अब लेना है लेफ्ट, और ये थोड़ा लद्दाख का पैच मिलता हुआ हमको रास्तों में, और ये यहाँ पे बोडेली की गलियों में हम घूमते हुए, और ये सामने से एक्टिवा वाले आते हुए फ़ोन पे बात करते हुए, वो भी स्पीकर पे, और यहाँ से हम निकलते हुए बहुत ही तेज़ी से, और ये एसटी बस को यहाँ पे ओवरटेक नहीं करते, सामने से एक लाल छकड़ा आ रहा है उसको हम जाने देंगे, और ये बस को हम ओवरटेक करते हुए, और ये यहाँ तेज़ी से जाते हुए, और यहाँ पे और एक रेड बस हमको दिखती हुई, और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, और ये हमने ओए औरसंग नदी है, औरसंग नदी है या नर, ओ वाव, ओ माय गॉड, हैव अ लुक, अरे यार वाव, बहुत ही सही, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में जो रेत यूज़ होती है वो हमारे यहाँ पे इस नदी की रेत सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, एज यू कैन सी यहाँ पे, वहाँ पे दूर आपको एक
रेत का एक ढेर भी आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है। आपको कैमरे में जज नहीं कर सकते लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़ा है और बहुत दूर है। और यहाँ पे लग रहा है कि अभी अभी अच्छी सी बारिश, अच्छी तो नहीं हल्की सी बारिश हो के गई है क्योंकि सब गीला गीला है और इसको किधर जाने का है। हल्की हल्की सी बारिश हो के गई है, आई होप सो कि हमको आगे ना मिले बारिश। और ये चीज़ सही है बारिश में, और ये मुझे इससे थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा अदरवाइज सारे छींटे मेरे ऊपर आएंगे। या तो साइड में चलो, या तो आगे चलो, या तो दूर चलो थोड़ा। फ्यूल स्टेशन बॉय। और ये थोड़ा अभी उस पर यहाँ पर थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी फ्रेश बारिश। और ये देखो ये रेत के ढेर, एज आई टोल्ड यू यहाँ पे बहुत सारे हैं, रेत यहाँ पे फेमस है, चेतावनी। और देख लो कुछ ज़्यादा यहाँ पे पानी है रोड पे, और कवि रोड पे थोड़ा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओ भाई सही है वैसे तो, अभी तो बारिश गिर के गई। और ये है नर्मदा कैनाल, जो नर्मदा का पानी है, नर्मदा नदी का पानी जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ से ये नर्मदा कैनल कनेक्ट होती है और हमारी साइड से जाती है, बहुत दूर तक जाती है, पता नहीं आई थिंक राजस्थान तक जाती है वो कैनल। तो ये क्यों फ़ोन मार रहा है? अच्छा इसको सूसू लगा है। रुक जा कहीं पे तो रुकना पड़ेगा, भाई को सूसू लगा है। इधर ले ले सामने, ओके। तो एक सूसू ब्रेक फॉर हिम एंड वी आर सेट, आई एम ओके। तो और एक अच्छा सा सीन हो चुका है, मेरे GoPro का जो माउंट था वो अभी टूट चुका है। तो एज यू कैन सी ये जो पूरा माउंट था ये पता नहीं अलग ही हो गया। तो सुबह में तो थोड़ा जुगाड़ करके इसको चिपकाया था बट अभी आई डोंट थिंक सो कि ये वापस फिट होने वाला है। तो भी देखता हूँ, कुछ तो जुगाड़ करता ही हूँ।